माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची और जवाब दिया है श्रीमन, शायद तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा भक्त प्रहलाद तुम्हारे नाम को जप रहा है, जिसके कारण मौत और जिंदगी से खेल रहे हैं। आप यहाँ बैठे बैठे क्या देख रहे हो? सहका पुत्र प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठने जा रही है और सहका के पास में तो अग्नि जी रहे जिससे उसे अग्नि छू नहीं सकती। बेटा प्रहलाद की जान की रक्षा करो। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी तुम चिंता मत करो। और इधर भगवान ने क्या किया है, जिस समय सहका प्रहलाद को लेकर के आग में प्रवेश करती है, ऐसा ही नहीं होता। सहका जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गए और अपने पिता हेड़ा कश्यप के सामने पहुंचे, जवाब दिया है पिताजी राम राम। हेड़ा कश्यप कहने लगा, पापी तुम्हारा नहीं गया, मेरी बहन जल करके राख हो गई, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक खंबा लाल करवाया, इतना लाल करवा दिया, इतना गरम खंबा करवाया जिसके ऊपर चींटी भी नहीं चढ़ सकती थी। और हेड़ा कश्यप प्रहलाद से कहने लगा है, अब बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी ये भी कोई बात पूछने की है? अरे मेरा राम तो घट घट में बात करता है, मेरा राम हर जगह रहता है। पिताजी प्रहलाद कहने लगे हैं, क्या
जी मेरा राम घट घट में वास करता है आपके अंदर है और मेरे